जय दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्ला गंज में। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास का वर्णन करने वाली भीम बेटिका की गुफाओं का। कहा जाता है कि ये गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल की हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि मानव जीवन की उत्पत्ति के संबंध में इसके बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन दिया गया है। साथ ही साथ कहा जाता है कि श्री विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा 1957-58 में इन गुफाओं की खोज की गई थी। और दोस्तों, इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि 2003 में इस गुफा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। साथ ही साथ हमको यहाँ पर अंदर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 3000 साल पुराने चित्र है जो कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर बनाए गए। तो चलिए इन चित्रों को समझते हैं, क्या है ये गुफाएं, इनके बारे में विस्तृत बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी हम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हम आ चुके हैं यहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं में। तो दोस्तों, विश्व विख्यात भीमबेटका की गुफाएं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये अपनी पुरातात्विक प्राग ऐतिहासिक कालीन ये गुफाएं मानव जीवन की सभ्यता का अनुपम उदाहरण हमको यहाँ पर दिख रहा है कि किस प्रकार से विशालतम गुफाएं आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इन गुफाओं को भाई ये जो श्रेणियाँ विंध्यांचल की श्रेणियाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर विंध्यांचल की श्रेणियाँ भी रही है, इन श्रेणियों को काट कर ये अक्सर गुफाएँ दिखाई गई है। जैसे कि आप यहाँ पर पीछे देख सकते हो से ये गुफाएं पूरी एक शेप में लगी हुई, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर मानव जीवन का यहाँ पर भी संबंध रहा होगा। और यहाँ पर देखा जाए अंदर की साइड तो हमको अंदर एक नंबर गुफा वो है सर, ठीक है। यहाँ पर हमको अंदर की ओर यहाँ पर चित्र दिखेंगे और ये चित्र आपको दिखेंगे प्राकृतिक रंगों से बने हुए। तो चलिए अपन यहाँ पर चित्रों के साथ देखेंगे। एक नंबर से हम यहाँ पर रॉक शेल्टर वन, शिलाश्रय वन या गुफा नंबर वन में देखो, आप देख पा रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल में यहाँ पर मानव रहता को देखो क्या विधि कर रहा है। हमको एक प्रॉपर यहाँ पर गुफा के रूप में अंदर भी आप देख सकते हो कि भाई गुफाओं के भीतर ही यहाँ पर मनुष्य रहता था, अपने दैनिक का क्रियाकलाप यहाँ पर जीवन यापन करता था। और ये पूरी गुफा में आप यहाँ पर आप देख पाओगे, तो ये पूरी आपकी है गुफा नंबर वन, रॉक शेल्टर वन। शैलाश्रय क्रमांक एक है, उसमें जो लिखा हुआ है उसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस शैलाश्रय को भीमबेटका पूरा स्थल के खोजकर्ता श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 111F23 नाम दिया गया है। इस शैलाश्रय की ऊंचाई जमीन से 20 मीटर है, जो एक संकीर्ण आधार पर अनिश्चितता से संतुलन बनाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये 20 मीटर ऊपर है और इसने किस प्रकार से संतुलन बनाया हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि इतने प्राचीन समय में किस प्रकार से मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ सर 1973 से 1976 तक लगातार 4 सत्रों में पुरातात्विक उत्खनन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से अश्विलीकाल मतलब 15 लाख वर्ष पूर्व के अंतिम चरण से लेकर मध्य पाषाण काल मतलब 10,000 वर्ष पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे निचले स्तर से हस्त कुठार कुल्हाड़ी आदि पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पूरा पाषाणकालीन स्थलों में हस्त कुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी कहाँ पर से प्राप्त हुई है, तो यहीं से प्राप्त हुई है, भीमबेटका से प्राप्त हुई है, ठीक है। और इस शैलाश्रय में कुछ ही चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, मतलब इस भीमबेटका के जितने भी शैलाश्रय है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, मतलब कुछ ही स्थल है जो क्या है ऐतिहासिक काल से संबंधित है। शैलाश्रय की छत पर बाहर रेखा में निर्मित दो हाथियों का चित्रण है, ठीक है। ये जो शैलाश्रय है इसमें बाहर दो हाथियों का चित्रण है और जिसमें छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। देख, आप लोग देख सकते हो ऊपर इसमें दो हाथियों का चित्रण है जिसमें एक हाथी पर एक छोटा हाथी है, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके हाथ में है एक अंकुश तथा दूसरे हाथ में भाला है, ठीक है। एक हाथ में क्या है, एक हाथ में अंकुश है और दूसरे हाथ में भाला है तथा कमर में तलवार बंधी हुई है। दोनों हाथियों के दांत काफी लंबे दिखाए गए, ठीक है। तो ये जो पहली हमारी गुफा नंबर एक है इसमें क्या है, इसमें मेनली दो हाथी दिखाए गए हैं और इसमें जो छोटा हाथी है उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट गुफा। तो दोस्तों, आपने देखा गुफा नंबर एक, ये जानकारी आपको न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, तो ऐसी ही आपको पूरी जानकारी मिल करेगी। साथ ही साथ एक चीज और हम यहाँ पर ध्यान देखें कि दोस्तों, अगर देखें कि इसकी आंतरिक स्तर पर गहराई लगभग 3 मीटर है, जैसे कि आप देख सकते हो चित्र पर, यहाँ पर 3 मीटर अंदर तक, यानी इतने अंदर तक गर्त में जाकर कहीं ना कहीं मनुष्य का निवास रहा है। तो इन दोनों चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो अब अपन बढ़ते हैं गुफा नंबर टू पर।
तो ये गुफा कर 8 के बाद हम अगली गुफा, गुफा क्रमांक 9 पे आ गए। ये एक प्रकार की गुफा है दोस्तों, इस तक पहाड़ के बीच में छोटा सा मार्ग है और इसी छोटे से मार्ग के बीच में यहाँ पर रास्ता दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये है यहाँ पर गुफाएं हैं, ठीक है, ये गुफा का रास्ता है और ये इतना ही इसमें हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इस गुफा को जंतु रॉक या जीव जंतु गुफा या चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। कैसे चिड़ियाघर के नाम से, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जीव जंतु आराम में आ चुके हैं। काफी विस्तृत गुफा है, देखो किस प्रकार से गुफा है, यानी चट्टानों को कहीं ना कहीं को कटी हुई गुफा दिख रही है, चट्टानों को काट कर बनाई गई है। तो ये गुफा को आप देख पा रहे हो और इसके आगे देखो, यानी इस गुफा का आकार इतना पूरा विस्तृत है, साथ ही साथ ये निचले स्तर तक गई हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा यहाँ पर प्रकृति के बीच में मानव यहाँ पर निवास करता था, यानी कितनी प्रकृति से उसकी घनिष्ठता थी। तो ये दोस्तों देखिए आप पुरानी साग ऐतिहासिक काल की गुफा, तो ये गुफा नंबर 11 है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो गुफा है, यहाँ के जो इस गुफा की जो चित्र है मुख्यतः सफेद रंग के हैं और कुछ कुछ जगह पर हमको लाल रंग के चित्र भी हमको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमको यहाँ पर ये चित्र यहाँ पर देखो किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ चित्र हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी समय के साथ दोस्तों ये चित्र क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर चित्र है, कुछ यहाँ पर आगे देख पाओगे आप लोग, ठीक है। तो इतने यहाँ पर ये चित्र गुफा नंबर 11 के बारे में ये इतनी पूरी जानकारी है। चुपचाप देखना, चल ठीक है। कहाँ है मोर पक्षी यहाँ पे दिखा है, मोर दिख रहा है, दिख रहा है क्या चित्र यहाँ पे? अरे ये रहा, दिख गया, ये देख, ये बारिंग, चल आ जा। तो कहाँ पे यार, दिख गया मुझे, पूरे छोटे छोटे, चलो इधर बताओ मुझे। तो दोस्तों हम गुफा नंबर 10 में आ गए और इस गुफा में हमको यहाँ पर एक पक्षी दिख रहा है जो संभवतः मोर हो सकता है। इसके अलावा एक तलवारधारी व्यक्ति है, एक हिरण है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर उस चित्र दिखाता हूँ। तो संक्षिप्त रूप में छोटे से चित्र देखो यहाँ पर बारीकी से, हालांकि कैमरे में अगर आपको दिख नहीं पाए तो ये दोस्तों यहाँ पर एक दो तलवारधारी व्यक्ति है, कहीं ना कहीं एक यहाँ पर पक्षी है और ऊपर देखो पेड़ की भी छोटी स्थलाकृति है, जो छोटी सी यहाँ पर कृति है चित्र के रूप में, और कुछ जानवर यहाँ पर विलुप्त होते हुए चित्र यहाँ पर दिख रहे जानवरों के। तो यहाँ पर देखो दोस्तों चित्रकारी है, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप सफेद रंग के और हल्के लाल रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया। साथ ही साथ देखो यहाँ पर एक इस कंदरा का देखो, इस कंदरा में यहाँ पर देखो दोस्तों किस प्रकार से मानो इस कंदरा में भी यहाँ पर निवास करता था। तो ये दोस्तों यहाँ पर अगली गुफा हमने समझ ली। नहीं ऊपर से उजाला, वीडियो बनाना सीधा चित्र। ये देखो बड़ा वाला, यहाँ देखो ये तो देखो इस गुफा में भी कहीं ना कहीं हमको ये चित्र देखने को मिल रहा है। देखो ये कि यहाँ पर जो किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर अपनी भी सांस्कृतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, घोड़े पे बैठ के सवार होकर जा रहे हैं। देखो पूरी यहाँ पर जैसा लग रहा है कि एक समूह के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। चलो तो दोस्तों ये जो गुफाएं थी हमने जो अभी देखी, ये इन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, जिसको आप यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हो, इस वैश्विक संगठन ने इसे 2003 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। तो इस प्रकार हमने पूरी गुफा को यहाँ पर देखा है। धन्यवाद।